बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी सब ठीक हैं। तो जो भी मेरे बहन भाई देश प्रदेश से देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, अपने एक दुमान में रखे। इसी ने एक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। आज ना सारे घर के काम करके तो मैंने अपनी बहू की मशीनें निकाली और उनके कपड़े धोए हैं, तो अभी मैंने फैला दी हैं। वर्दा आई है स्कूल से, उसके कपड़े उसके मामा ने उतार के तो अपने भी और उसके भी मशीन में डाल दिया, आखिरी चक्कर जो रह गया। तो जी मुझे लगी थी प्यास और साथ ही मैंने ना धनिया और हरी मिर्चें बना लिया। मैं आज बनाने लगी हूँ, कल की जो गोभी बची हुई थी ना हमारी, उसके पराठे बनाने लगी। अभी मैं बैठ कर पानी पी लूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। भारिया इधर आ जाओ बेटा। तो जी कपड़े फैला रही थी, धूप भी काफी थी, तो मैंने सोचा कि पहले बाहर का काम खत्म करके ना तो फिर खाने की तरफ आऊंगी। तो भी मैंने ना चटनी बना कर रख ली है, पुदीने धनिया और हरी मिर्च की। अभी जी मैंने हरी मिर्च और धनिया काट लिया, और ये है जी गोभी का सालन, ये मैंने दो कर कुंडी डंडा रख लिया। अभी मैं इसमें डाल कर ना तो थोड़ा सा इसको बारीक पीस लेती हूँ ताकि रोटी हमें अच्छे से लग जाए। कल हमने इतने इतने बड़े आलू डाले थे कि चलो कल ना हम रोटी बनाएंगे साथ। गोभी वाली रोटी वैसे भी आजकल बहुत मज़े की लगती है, गोभी बड़ी मज़े की बन रही है आजकल। जी बेटा जी, गोभी हाँ गोभी मैं रोटी में डालने लगी हूँ बच्चा। अच्छा आपने कितनी खानी है रोटी? दो पाठे खाने हैं मैंने। ये तो मेरे कस्टमर है ना जी। मामी खानी है बहुत रोटी, आलू वाली रोटी खानी है आपने? खानी है। अच्छा ठीक हो गया। तो इसने ना बिल्कुल सिंपल सी खानी, इसके लिए आलू लहदा निकाल लेती हूँ, क्योंकि फारिया जो रूश है ना ये ज्यादा मिर्चे वाली नहीं खाती। उसने सही और फारिया और वर्दा माशाल्लाह से ये ज़्यादा ना मिर्चों वाली खा लेती। ये चार आलू मैंने निकाल लिए, ये डालूंगी जी और उसकी रोटी में। हाँ जी मेरा एक और कस्टमर आ गया, रोटी खानी है आलू? ये आलू का बहुत शौकीन है जी। हम सब फैमिली वाले जो है ना, आप पी लो, आप पी लो, मैंने पिया जी। अभी इसको बारीक पीस लेती हूँ ताकि रोटियों में ना सुराग ना हो। जी मैंने इसको बारीक पीस लिया, और ये धनिया और हरी मिर्च है, डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि रोटियों में डालें तो फिर ज़रा नमक करारा ही हो तो रोटी में मज़ा आता है। थोड़ी सी कुटी मिर्च डालनी है मैंने, सूखा धनिया। अभी भी जल्दी से बनाते हैं रोटियां और सबको देते हैं और खाते हैं। Thank you.
सुनैन सही बाइक चीखे मार रहा है, पता नहीं वो साइकिल के ऊपर बैठा हुआ तो झूले रे रहा था। सुनैन सही क्या हुआ, इधर आ जाओ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी 8 रोटियां बन गई, तो ये ना इनके पापा के लिए बनाने लगी हूँ। इनका ना ये देसी घी लगाना है, ये डालडे वाली ना नहीं खाते, तो हम तो खा लेते हैं, थोड़ा सा है मैं इनका चलो उनको लगा देती हूँ। ये दो पराठे जो है ना मैं देसी घी के बनाऊँगी, थोड़ा सा तेज होगी। जी मैं कट्टू लगा देती हूँ ना, तो फिर अच्छे से अंदर से भी ना ये पक जाता है। जी हमारा बड़ा मज़े का क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा देसी घी का, जल्दी से बनाओ। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से खाना रोटियाँ बनती हैं, मैंने सबको दे दिया। अभी बड़ा भी खा रही है, उसने अनजानी भी खा रहा है, और जिस मेरे बहन भाई ने हमारे साथ खाना खाना वो भी आ सकते हैं, खा सकते हैं। बड़े मज़े के पराठे बने हैं। बैठ के खाओ, कोई नहीं खींच तो पास पास बैठी हुई है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी सब ने खाना खा लिया, आज सब ने बहुत तारीफ की कि इतनी मज़े की रोटी बनी है ना। मैंने इसमें ना अलग से ना धनिया, सूखा धनिया और हरा धनिया और हरी मिर्च डाली, दड़ा मिर्च थोड़ी सी डाली, थोड़ा सा नमक डाला, इतनी मज़े की करारी करारी लग रही थी। तो चटनी का मुझे याद ही भूल गया, वो फ्रिज में पड़ी थी वो उधर ही रह गई, और रोटी इतनी करारी थी कि वैसे ही पता ही नहीं चला भी चटनी या अचार इसके साथ लगाई। तो जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह से चाय बना ली है मैंने, बस ये उबल रही है, अभी कपों में डालते हैं और पीते हैं। हमारा ये दोपहर का जो हो गया पूरा, तो अभी जी सब्जी देखते हैं, कोई आता है भाई तो फिर सब्जी लेकर फिर बनाएंगे या कोई दाल बना लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी चाय बन गई है, दूध तो उबला हुआ, इतना उबाले देने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, बस देर डालते हैं कपों में। नहीं 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 करो, कुछ नहीं करते बच्चे हैं ना, वो शरारतें करते होते बच्चे, एक दूसरे से लड़ते होते हैं, ऐसे नहीं बच्चों को डांटते। क्या हुआ माँ, उसने अनुज क्या हुआ, उसने आंसर क्यों हो रहा है? बस के लगा दिया गिरा। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी खाना भी खा लिया और चाय भी पी लिया। अभी जी मैंने ना अपनी बेटी के लिए मंगवाए हैं किन्नू, और उसके दोनों भाई जा रहे हैं डेगो पर चढ़ाने के लिए, उधर से मेरे आएंगे दमा साहब तो वो ले जाएंगे। तो अभी जी पैकिंग कर दी है मैंने, अभी ये जाने लगे हैं। तो वीडियो को अभी यहीं पर एंड कर देती हूँ, और जिस मेरे बहन भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, और मेरी वीडियो को लाजमी पूरा देखा करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपनी गाने रखी याद, अपना ढेर सारा रखे ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।